हाय, मैं विक्रांत मैसी बिंदास और यह है आशिकी के जरिए एक ऐसी लव स्टोरी लेके आया हूं जिसे देख के आपको प्यार, इंसानियत और हिम्मत इन सारी चीजों में दोबारा यकीन हो जाएगा। प्यार को हमने फिल्मों में, किताबों में अलग अलग तरीकों से देखा है, सुना है, समझा है, लेकिन तरीका कोई भी हो, जुबान कोई भी हो, एक चीज अटल रहती है, वो ये कि प्यार की ऊंचाई और गहराई को नापा नहीं जा सकता। हमेशा की तरह हमारी आज की कहानी भी थोड़ी सी हटके है, लोगों की छोटी सोच और भले बुरे से परे। क्योंकि क्या है ना कि प्यार जो है उसे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, उसे बस होना आता है। आइए, यू नो वॉट अन्ना, आई हैव अ फीलिंग कि आज आप जिस लड़की से मिलने जा रहे हो ना, वो ही होगी द लकी ब्राइड। रियली? क्या, आई एम टेलिंग यू, मुझे तो ना शादी का कार्ड भी साफ नजर आ रहा है। अर्जुन कृष्णन वेड्स लक्ष्मी अय्यर। इतना श्योर है? हाँ, फिर और नहीं तो, मतलब इट्स ऑब्वियस ना। अब देखो, आप माए तो वो महामाए, तो आप अर्जुन है तो सुबलक्ष्मी। वाह, तुम चुन के नाम रखे आप दोनों के पेरेंट्स ने। पेरेंट्स? तेरे ही पेरेंट्स हैं। हाँ, वो तो है। भास्कर, भास्कर बेटा चलो रेडी हो जाओ। हाँ माँ, आ रहा हूँ। चल, अब तैयार हो जाओ, हम मीटिंग। यू नो व्हाट अन्ना, ये ना अरेंज मैरिज का ना बेस्ट पार्ट होता है, लड़की देख। और फिर वहाँ पे खाना तो हो गई, तरह तरह का खाना, जैसे कि इडली हो गया, मेंदू वड़ा, डोसा, इतने सारे पकवान, और वो भी शुभ लक्ष्मी। आई एम श्योर विद अ नेम लाइक दैट, खाना तो बढ़िया बनाती होगी। ये क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग अन्ना, रिकॉर्डिंग। ये सब once in a lifetime moment है। मैं हर चीज कैप्चर करना चाहती हूँ, ये घर, ये डोर, आपकी टू बी मदर इन लॉ के एक्सप्रेशंस जब अपने टू बी सन लॉ को देखेंगी। और ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। ओके, मैं सिर्फ यहाँ लड़की देखने आया हूँ, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ओके ब्रो, ये मेरी गट फीलिंग है, मैं बोल रहा हूँ आपकी शादी इसी से होगी। यस अम्मा, अब्बा, अभी बदमाशी नहीं। श्योर अम्मा, श्योर। चलो चलो। हाय। आई एम अर्जुन कृष्णा। हाय, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आइए ना, आप सबका कब से वेट हो रहा था। आइए, अब एक मिनट। नमस्ते। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाय, शुभ लक्ष्मी। मैं होने वाले दूल्हे का छोटा भाई। नमस्ते। नमस्ते। होने वाले दूल्हे के छोटे भाई जी, मैं नेहा, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड, एंड होने वाली दुल्हन मैं नहीं, वहाँ है। वहाँ? सुबलक्ष्मी, हाय, आई मीन नमस्ते। इट्स ओके, यू कैन कॉल मी शुभ। इसकी दादी की लास्ट इच्छा थी कि इसका नाम शुभलक्ष्मी हो। बचपन में बहुत झगड़ा करती थी, अगर गलती से भी इसका नाम किसी ने पूरा ले लिया तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। सुब्बू बुलाना पड़ता था तब जाके बोलती थी हाँ पा। Subbu, what are your future plans, work-wise? Actually, मैंने ना एक international airline में apply किया है, और बस अभी final interview बाकी है। मुझे है ना पूरी दुनिया घूमनी है। I want to roam around the world. Wow, air hostess. Yes. Perfect है तुम्हारे लिए। Excuse me, perfect है मतलब? I mean, अब तुम हो ही इतनी सुंदर,
अगर प्लेन में एयर होस्टेस अच्छी ना हो तो मजा ही नहीं आता ना फ्लाई करने का। आई एग्री, है ना? आप लोग प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये थोड़ा सा ज्यादा बोलता है। थोड़ा सा इट्स ओके। गरम गरम इडली लीजिए सर, इडली लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये खाना मैंने बनाया है तो नहीं, ये खाना मैंने नहीं, मेरी अम्मा ने बनाया है। मैं जानती हूँ कि आप लोग एक ट्रेडिशनल लड़की एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, दिस इज द वे आई एम। खाना बनाना नहीं जानती, लेकिन हाँ डेफिनेटली सीख लूंगी, घर भी चला लूंगी। अब मैं ये नहीं जानती कि यहाँ से जाने के बाद आपका फैसला क्या होगा, आप लोग ये रिश्ता एक्सेप्ट करोगे या नहीं। डन है, रिश्ता डन है, कंफर्म। ना हाँ बोल दो, इतनी जबरदस्त चिड़िया तो वापस नहीं मिलने वाली। अम्मा पैक करके इसके घर भी भेज दो प्लीज। एक नॉर्मल अरेंज मैरिज सेटअप से थोड़ी अलग थी ये मुलाकात, थोड़ी लेस फॉर्मल सी। और मुलाकात बेशक पहली बार थी, लेकिन सुबू की ऑनेस्टी ने सबका दिल जीत लिया। एक अच्छा परिवार, सोसाइटी में रुतबा, मानिए ये रिश्ता एक परफेक्ट रिश्ता माना गया। और जैसे जैसे शादी की तारीख पास आती गई, सुबू की ओर अर्जुन और उसके परिवार वालों का प्यार और लगाव बस बढ़ता चला गया। सुबू, आई थिंक ये तुम्हें पसंद आया। नाइस। अन्ना फिट तो परफेक्ट है, पर कलर। हाँ कलर 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 ठीक नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट। या चेंज। ना नहीं 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 अन्ना चेंज चेंज चेंज। नेक्स्ट। मजा नहीं। परफेक्ट अन्ना। थैंक यू। ये परफेक्ट है। हाँ मेन्यू में मुझे चाहिए चिकन चेटीनाद रसम, ये नहीं। प्रॉन्स करी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। And yes, idiyappam. And jubu jubu jubu. That paisam is awesome, huh? Haan, baba. Iske liye paisam bhi kar do. Paisam bhi. नहीं, ये सब क्या दिखा रहे हो आप? इनमें से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो आप पे बहुत ही जचेगा। ये आप ही के लिए बना है। Yes, I liked this one. बहुत सुंदर है। Come on, you can't be serious. कितना old fashioned है। No यार अर्जुन, ये traditional है इसलिए तो मुझे अच्छा लगा, और ये मुझ पे बहुत suit करेगा। अन्ना, अन्ना I think you're awesome. है ना? हाँ। See, he agrees. Done है अंकल, ये एकदम confirm है और ये best thing है। पर आप इसका packing एकदम मस्त करना। हाँ। जरूर। ये लड़कियों के साथ ना बहुत अनफेयर है। आई मीन हर बार उन्हीं को क्यों मैरिड होने का प्रूफ पहनना पड़ता है? लड़कों को भी तो कुछ पहनना चाहिए ना। फनी तो इसकी बातें बिल्कुल सीरियसली मत लेना, ये ऐसी बकवास करता रहता है। नहीं नहीं ना, बकवास नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है। पॉइंट है, पॉइंट तुम लोग डिस्कस करो, मैं कार लेके आता हूं। नहीं मैं बोल रहा हूं, सोसाइटी का सिस्टम चेंज होना चाहिए। आई एग्री विद यू भास्कर, सारे रूल सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं। अभी बताता हूँ तुझे। छोड़ 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 अन्ना अन्ना छोड़ अन्ना छोड़।
उसको। अरे को है क्या? अंजना छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कहें इन्हें? आदमी? अगर ये आदमी है तो मुझे अपने आदमी होने पे अफसोस है, या फिर इंसान। ये सारी चीजें देख के इंसानियत पे शक होने लगता है मुझे। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई अपने एक पल के जुनून के लिए किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डॉक्टर ने कहा कि स्टेबल है। शुभ कैसी? उठते ही सबसे पहले भास्कर के बारे में पूछा उसने। मुझसे कहा कि जाके पता करके आऊं कैसा है। मेरी सुबह जब से होश आया है डरी डॉक्टर आया चेकअप के लिए तो उसने समझ सकती हूँ। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। अर्जुन ने मुझे बताया जो उसने भास्कर के लिए किया। आज अगर शुभ नहीं आती तो शायद मेरा भास्कर शादी की डेट थोड़ी पुश कर देनी चाहिए जब तक दोनों बच्चे ठीक ना हो जाए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मिस्टर अय्यर भी होते तो बहुत अच्छा होता। देखिए मैं फैसला ले चुका हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। संभालो अपने आप को, हमारे सुबह को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे सुबह को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला, जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाते। ना मैं कब से पूछ रहा हूँ कि सुबह कैसी है। मैं तो उससे मिलना चाहता था, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? मैं दवाई लेकर आता। ना इस वेर में कोई दवाई नहीं खाऊंगा जब तक आप लोग नहीं मुझे बता देते कि ये हो क्या रहा है।
तो वो कैसी है ना? हाँ? पता नहीं मतलब मैं उससे नहीं मिला, इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसी है। बट क्यों? क्योंकि जिस लड़की का रेप हुआ है, जिसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, वो लड़की इस घर में नहीं है। उसकी रेपुटेशन खराब हुई है तो उसमें हमारी गलती है। We should have protected her. उल्टा उसने मेरी जान बचाई। आजकल लोग फैमिली सोसाइटी ये सब चीजें नहीं समझे। फार में गए ना ये सब। What the hell ना? आजकल behave yourself. हम इस घर के बड़े हैं। इस घर की रेपुटेशन ये फिकर तुमसे ज्यादा है। तुम छोटे हो अभी नहीं समझोगे। हम डिसाइड कर चुके हैं, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। आंटी आंटी वो मैं सुबह से मिलना है। तुम उससे नहीं मिल सकते, प्लीज जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए। फिर बात करनी है? क्या बात करनी है? जो बातें होनी थी वो तुम्हारी फैमिली कर चुकी है। और कुछ बाकी रह गया था कहना जो तुम कहने आए हो? प्लीज प्लीज मेरी सुबह को अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ। आंटी बस एक बार मुझसे बात करूंगा ना, फिर उसके बाद। जब वो होश में आई तो सबसे पहले उसने क्या पूछा था? भास्कर कैसा है? और तुम लोगों ने मैं बाहर वेट करती हूँ। चलो यहाँ से भास्कर, लीव मी अलोन। वो तो नहीं हो सकता, हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स कभी। क्या तुम ऐसी लड़की से दोस्ती रखना चाहते हो? वो सेक्सुअली असॉल्टेड, या फिर मैं ये कहूँ, या फिर मैं ये रेप्ड। सुबह नहीं भास्कर, तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। वो फैमिली जिसे सोसाइटी की बहुत फिक्र है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जिस लड़की के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया, उसके लिए हालत सिर्फ इसलिए हुई है कि उनकी दोनों बेटे उसकी हेल्प नहीं कर सके, बस देखते ही रहे। नहीं भास्कर, सोसाइटी तो ये सब नहीं पूछती ना। सुबह जाओ यहाँ से भास्कर, तुम कुछ नहीं समझते और हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं। That's unfair, सुबह। जो भी डिसीजन लिया वो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया, मैं खुद उस डिसीजन के अगेंस्ट हूँ। जाओ यहाँ से, जस्ट गो फ्रॉम हियर, जस्ट गो फ्रॉम हियर। तो मुझे क्यों नहीं छोड़ दिया उस वक्त, क्यों बचाया मुझे? हाँ, तुम कब से कह रही हो ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, just leave me alone. तो why did you save me? Why? Just swear and tell me, सुबह, क्या सच में फर्क नहीं पड़ता? हाँ? Just look at me. एक बार यहाँ मेरी तरफ देखो, एक बार देखो यहाँ सुबह, you really don't care. एक बार मुझसे कह दो मैं यहाँ से अभी का भी चला जाऊंगा। And I'll never bother you. सुबह, फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए। Why Bhaskar? Why did this happen to me? Why me Bhaskar? Why me? बट मैं रोज उसके घर जाती हूँ भास्कर, वो अपने कमरे से नहीं निकलती है भास्कर।
And how can I be happy without her? भास्कर, I think मुझे मेरी शादी कैंसिल कर देनी चाहिए. Shut up, Yanina. No, भास्कर. तो वो जिस हालत में है, उसको भी fun है. कुछ नहीं है. Without her, I'll be happy. I promise. कि उस हादसे के बाद शुभलक्ष्मी के मंगेतर ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन भास्कर ने एक दोस्त होके उसे वो सहारा दिया जो कोई नहीं दे पाया. अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा भास्कर के सामने ही निकल आया. और आज भी जब वो इतने दिनों से अपने कमरे में डर कर छिप कर शर्म से लड़ रही है, तो वो भास्कर ही है जिसने उसे उस कमरे से बाहर निकाला और फिर से लोगों के बीच जीना सिखाया. हेलो अंकल. अरे ग्रेट, आप लोग रेडी हो? मैं बस सुबह से पास. सुबह को अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? रोज रोज चले आते हो. तुम जाओ, अंदर है. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये लड़का इस सिचुएशन को और खराब करेगा. अब इसके कारण लोग बातें करना शुरू करेंगे. पता नहीं हमारी सुबह ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है. अरे सुबू, तुम तैयार होकर अब तक यही हो? चलो, वी आर गेटिंग वेरी लेट. चलो सुबू. सुबू नहीं भास्कर, मुझे नहीं जाना. ऑफ कोर्स जाना है सुबू. वो नेहा ना तुम्हारे बिना फेरे तक नहीं लेगी. नहीं भास्कर, मैं नहीं जा सकती. वहां कितने लोग होंगे, मुझे घूरेंगे, मुझे डर लगता है. बचपन में ना अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता. लगता था कि रूम के किसी कोने से ना कोई भूत आएगा और मुझे खा जाएगा. रोज रात को अम्मा के पास भागता था. फिर अम्मा ने मुझे ये रुद्राक्ष दिया और कहा कि अब कोई भूत पिशाच मेरे पास नहीं आते. मुझे अब डर भी नहीं लगता. सुबू, इस रुद्राक्ष में ना बहुत ताकत है. बहुत ताकत है. और क्या हुआ? इतना मुंह क्यों लटका के खड़ी है? जरा तो स्माइल कर. अम्मा, शुभ नहीं आई. अच्छा ही है नहीं आई.
अरे इन लोगों को कौन समझाए, कहीं भी मुंह उठाकर आ जाते हैं। शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इन लोगों में। ये कहां से आ गई? इसे तो शादी में आना ही नहीं चाहिए था। हाँ पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? इनके बारे में बात करें ना, इनका नाम शुभलक्ष्मी अय्यर है, नेहा की बेस्ट फ्रेंड है ये, और ये आप ही लोगों की कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, आप ही लोगों की। मैं जानता हूं आप सभी ने टीवी और न्यूज़पेपर और इन सब के थ्रू जानते होंगे। हाँ यस, ये वही लड़की है जिनका उन तीन पुस्तिलों ने बेरहमी से रेप किया था। उसके बाद इन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ, लेकिन आज उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग इनके दर्द को कम करने के बजाय दर्द को और बढ़ा। फ्रेंच माय फुट, ये जो भी तू करा नहीं है फ्रेंडशिप नहीं है ना। आपको तो पता भी नहीं कि फ्रेंडशिप होती क्या चीज है, कि फ्रेंड क्या करते एक दूसरे के लिए। जस्ट बिकॉज़ आप में लॉयल्टी नहीं है ना, डजंट मीन कि किसी और में नहीं। बहुत गंदी बात कर और बंद कर ये सब कुछ। तू सुबह से नहीं मिलेगा और ये तेरी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है ना, इसे अभी के अभी खत्म कर। इज दैट क्लियर? एक्चुअली हां, इट्स क्लियर, इट्स फुल्ली क्लियर। फ्रेंडशिप से ज्यादा है ये जो मैं उसके लिए फील कर रहा हूं, जिस इंटेंसिटी से मैं फील कर रहा हूं ना, वो इट्स कांट बी जस्ट फ्रेंडशिप, इट्स लव। आई लव विद आना, मैं एग्जैक्टली नो कि किस मोमेंट में आई फेल फॉर इससे पहली बार थी। कोई रोक ले किसी की मजाल, कोई टोक दे इश्क के जुनून रुके नहीं। दिमाग खराब? Have you completely lost it? तू किसी ऐसी लड़की से प्यार करता जी मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। You know what Anna? Thank God कि सुबह की शादी टूट गई, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाती तो उसे पूरी जिंदगी तुम जैसे इंसान के साथ गुजारनी पड़ती। And trust me, that would have been such a waste. सुबू, वो इतनी खुशकिस्मत है कि उसे भास्कर जैसा लड़का मिला, क्योंकि भास्कर में वो सारी समझ है, वो अंडरस्टैंडिंग है, जिसके सहारे सुबू एक सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम से सर्वाइवर बन सकती है। सुबू, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही गया है तो जा, कब से प्लान करके बैठे हुए थे? नहीं अम्मा, नॉट इंटरेस्टेड। लाइफ पहले जैसे ना सही, पर पता नहीं कौन सा मोड़ खुशियां ले आया। जस्ट ट्राई इट, जो देने में कोई हर्ज नहीं है। Wrong with you, Bhaskar. तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ सुबह। I'm serious. मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी इतना serious नहीं हुआ। I love you. और ये आज से नहीं है,
ये तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था सुबह, तब मुझे ये फीलिंग समझ नहीं आई थी, लेकिन अब भास्कर प्लीज सुबह मैरी मी स्टॉप इट भास्कर, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कह रहे हो? और प्लीज तरस खाकर मेरे लिए ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं सुबह, ये सब मैं तुम पे तरस खा के नहीं कह रहा हूं। लुक एट मी सुबह, तब तुम्हें दिखेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई लव यू सुबह, आई लव यू। और अगर जरूरत पड़ी ना तो इस सारी गंदी सोसाइटी से भी लड़ लूंगा। आई जस्ट केयर अबाउट यू। नो भास्कर, नो, आई डोंट नीड यू, और ना ही मुझे किसी और की जरूरत है। तुम थे ना वहां, और तुम्हारा वो भाई अर्जुन कुछ कर पाए? नहीं ना, तो फिर अब मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ? यू आर माई फ्रेंड भास्कर, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। एक बार फिर तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। मेरे लिए तुम्हें अपनी फैमिली को हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, नहीं। Stop it, भास्कर। Just leave me alone and go away. और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुबह। Just go. भास्कर, तुमने अर्जुन से कहा तुम सुबह से प्यार करते हो? ये सब हेलो, इसे इसके नाना माँ के घर भेजना पड़ेगा। डोंट वरी, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। सुबह का दिल आप लोगों की तरह छोटा नहीं। मतलब ये कि वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। उसे लगता है कि अगर वो मेरा लव एक्सेप्ट कर लेती है तो हमारी ये सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फैमिली टूट जाएगी। अमेजिंग ना अब्बा, अमेजिंग। आपने जिस लड़की के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो हमारी फैमिली जोड़े रखना चाहती है। कितना फर्क है ना, पर आप लोगों को ये फर्क नजर नहीं आएगा कभी। एंड अन्ना, कंग्रेट्स, यू वन, जीत गया। भास्कर, प्रोफाइल के हिसाब से तो आप हमारी एयरलाइंस के लिए परफेक्ट हैं, पर एक बात समझ में नहीं आई, फाइनल इंटरव्यू को तुमने इतना पोस्टपोन क्यों किया? एक्चुअली सर, मेरे साथ सुबह, इस रुद्राक्ष में ना बहुत ताकत है। एक महीने पहले मेरा रेप हुआ। मीडिया ने इस केस को बहुत अटेंशन दी। फिर मेरी शादी भी टूट गई। इतना कुछ होने के बाद मुझे कुछ करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने ये इंटरव्यू पोस्टपोन किया। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड और मेरी फैमिली ने मुझे हिम्मत दी। सच, तुम में बहुत हिम्मत है। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे इस जॉब के लिए सिलेक्ट करते हो तो प्लीज मुझे किसी दूसरी कंट्री में रिलोकेट कीजिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डायरेक्टली एयरपोर्ट पे ही मिलती हूँ। ऑल राइट। अम्मा, अम्मा प्लीज मत रो,
अगर आप ऐसे रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगी। मैं ठीक हूं, तू जा। अपना ख्याल रखना माँ, प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी ना, मैं सीधा आपके पास आ जाऊंगी। नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। अर्जुन घबराइए मत, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं यहाँ भास्कर से मिलने आई हूँ, उसे एक बहुत ही जरूरी चीज लौटानी। हाय भास्कर। मैं जा रही हूं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने। तुम्हारे इस फ्रॉक से मुझे बहुत अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज मैं अपने साथ लूंगी। गुड बाय। शुभू, भास्कर ने तुम्हें वो अंधेरे से डरने वाली कहानी सुनाई थी? मैंने उसे झूठ बोला था। ये रुद्राक्ष उसे हिम्मत देगा, उसकी रक्षा करेगा। सच तो ये है कि उसका मुझ पर भरोसा, मेरे लिए प्यार, यही तो वो चीज है जिसने उसे इतनी हिम्मत दी इस डर से लड़ने के। बिल्कुल वैसे तुम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो, ये कितना प्यार करती है तुमसे।
मत करना। वक्त ने भास्कर का साथ दिया और भास्कर ने सुबह का, और कितने ही आशिकों की तरह इन्होंने भी अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया, लोगों की नासमझी से बहुत दूर। और भास्कर ने तो हिम्मत की सबके खिलाफ जाके सुबह से प्यार करना, उसे अपनाना, इंश्योर उसके लिए आसान नहीं हुआ होगा। लेकिन जो हिम्मत सुबू ने दिखाई उसे नापा नहीं जा सकता। किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के बाद एक लड़की पे क्या गुजरती है ये कोई नहीं समझता। छोटी सोच वाले जजमेंटल लोगों से डील करना, एक हद तक कि अपने खुद के लोगों का बिहेवियर बदलते देखना आसान नहीं होता। उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है खुद को एक्सेप्ट करना, जो सुबू ने किया। कुछ कहानियां होती हैं ऐसी, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां सुनाने आऊंगा मैं अगले हफ्ते बिंदास पे। लेकिन जाने से पहले आइए देखते हैं कि हमारे जैसे आम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। एक सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम की कभी गलती नहीं होती है, बट इट्स रादर द फॉल्ट ऑफ समवन सिक एंड ट्विस्टेड माइंड। ये हमारी सोसाइटी के गलत नोशंस हैं कि लड़कियां कपड़े गलत पहनती है, या अगर एक लड़की ओपन माइंडेड है तो फ्री माइंडेड है तो लड़की उससे कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक शी डिजर्व्स द राइट टू लिव लाइफ नॉर्मली एंड आई वुड डेफिनेटली मैरी हर। इफ यू आर बीइंग विक्टिमाइज्ड तो आप आवाज उठाइए, आप गलत नहीं है, यू आर नॉट एट फॉल्ट। ये आशिकी।